हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DDUGU दैट इज़ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में है एंड A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। NAC की तरफ से इन्हें A++ ग्रेड मिला हुआ है। सो यस, इनकी तरफ से भी एक्चुअली इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। सो आपका ही इनफैक्ट किसी का कमेंट था, आई थिंक लास्ट वीक तो मैंने वीडियो ही नहीं अपलोड किया, बट उससे पहले जब मैंने काइंड ऑफ रेगुलर होने की कोशिश की थी तब आई थिंक आपका कमेंट के भी मैंने काफ़ी रिप्लाई किए थे। सो उस टाइम मैंने देखा था DDU से रिलेटेड आपने पूछा था कुछ किसी ने। सो उसके बाद मैंने वेबसाइट विजिट किया तो इसमें लिखा है कि हाँ, एंट्रेंस जो फॉर्म है या एंट्रेंस काइंड ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड अभी एक्टिव हैं। ठीक है, तो उस टाइम मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई एंड फिलहाल मैंने ये नोटिस देखा कि जो लास्ट डेट है वो 31 मई तक एक्सटेंड की गई है, तो इसलिए अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बट जैसा लास्ट DDUGU के वीडियो में था कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है वेबसाइट से, ऑल्सो इनका टेलीग्राम ग्रुप तो ऑफिशियल नहीं है टेलीग्राम ग्रुप, बट स्टिल है जिस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे SPPU का भी शेयर किया था टेलीग्राम पे ही कि उनका जो पेज है उस पे तो वो तो ऑफिशियल ही है काइंड ऑफ, तो उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह से DDUGU भी है तो उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्प मिलती है, तो मैं आपसे फिर से शेयर कर दूंगी अगर कुछ मतलब कैंडिडेट जो नए ज्वाइन किए उनके लिए, तो उससे देख सकते हैं आप। फिलहाल DDUGU.ac.in ये है वेबसाइट एंड इस पर आप विजिट करेंगे, काफ़ी सारे न्यू ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से जब आप स्क्रॉल करेंगे तो एंट्रेंस का ऑप्शन दिखेगा, ये एंट्रेंस एडमिशन, इस पर क्लिक करिएगा तो आप देख पाएंगे ये पोर्टल। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब बाकी कोर्सेज के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन का ये पोर्टल भी। यहाँ पे इसकी बात मैंने की कि यहाँ पे ये मैंने देखा था कि PhD एंट्रेंस फॉर्म इज स्टार्टेड, बस इतना लिखा था। फिर मुझे लगा शायद ब्रोशर वगैरह है, बट फिर से वही हुआ जैसा पिछली बार हुआ था कि कुछ भी नहीं आया। एंड आई नो आप बोलते हैं कि मुझे मिलता नहीं है, बट ट्रस्ट मी, नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को मिले या आपको पता है कहाँ है तो प्लीज़ 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 इट्स माई रिक्वेस्ट कि शेयर कर दीजिएगा मुझसे, या टेलीग्राम पे कहीं, या मेल कर दीजिएगा, कुछ भी कमेंट ही कर दीजिएगा, बट डू शेयर दैट। सो एनीवे, एडमिशन फॉर्म PhD का है ये ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, तो जैसे ये तो PhD स्पेसिफिक पोर्टल है, स्टिल अगर आप देखें क्लिक करके ब्रोशर पे, सपोर्ट पे, कहीं पे भी, तो बस यहाँ पे चेंज देखने को आपको मिलता है, बट होता कुछ नहीं है, ओपन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। वन मोर थिंग, देखिए जैसे ये लास्ट में भी यहाँ पे ऑप्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो भी ये देखिए रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो जेन्युइन रीज़न रहता है तभी मैं आपसे बताती हूँ, क्योंकि फेक तो मतलब क्या ही फेक होगा, कुछ भी फेक तो मैंने किया ही नहीं इस चैनल पर कभी। सो एनीवे, कैसे अप्लाई करना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना PhD रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करिएगा आप, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के इस पोर्टल पर विजिट कर पाएंगे एंड आपको इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। तो इसमें कोर्स वगैरह है तो आप देख लीजिएगा, फुल टाइम, पार्ट टाइम या जो जो इन्फॉर्मेशन है, बट सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं तो इससे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो जूलॉजी इज़ देयर एंड एक और चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, देखिए PhD के ही कोर्स में आप PhD सेलेक्ट करेंगे तब सब्जेक्ट्स देखेंगे, तो ये देखिए सेम है। ठीक है, सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, सो जूलॉजी है, विजुअल आर्ट्स है, उर्दू है, देन स्टैट्स है, संस्कृत, साइकोलॉजी, पोल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स, लॉ, होम साइंस, हिंदी, जियोग्राफी या ज्योग्राफी, देन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, देन एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, देन इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, AIHC, देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सीट है ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली। नाउ क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है क्योंकि ये UGC का रूल है 55% वाला, तो इसलिए 55% यहाँ भी है क्राइटेरिया। तो अगर 55% मार्क्स से ज़्यादा है मास्टर्स में या एमफिल में तो आप एलिजिबल हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर दीजिएगा एंड बाकी मुझसे मतलब बाकी भी कैंडिडेट हैं उनसे भी शेयर कर दीजिएगा, तो इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन DDUGU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सो यस, अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।